हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप काफ़ी सारी अर्निंग कर सकते हो। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको एक सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन और दो एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ठीक है, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे टाइप कर देना है ABC लर्निंग ऐप, कि हम लर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है, किड्स से। तो यहाँ से ये जैसे कि मैंने एक डाउनलोड की हुई है ABC किड्स पे, ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है ABC किड्स। यहाँ देखिए मैंने काफ़ी सारी डाउनलोड की हुई हैं, ठीक है। तो ABC किड्स को डाउनलोड ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड होने के बाद आपने सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे लिखा रहा 8519, ठीक है, इसका कोड डाला। तो यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आके आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड दोनों ही यहाँ से बंद कर देने। इससे क्या होगा, जैसे ही मतलब क्या इसमें गेम की आपकी वीडियोज़ नहीं आएगी, गेम में आपकी ऑडियो नहीं आएगी, सॉरी वीडियो बता बोल दिया था मैंने, इसमें ऑडियो नहीं आएगी, तो हमें इजी हो जाएगा इसको वॉइस ओवर करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी की इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से हमने कोई भी लेटर ले लिया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ए को फिल करो, हमने ए को फिल किया और यहाँ से ऐसे फिल किया, ठीक है, ए, ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद ये यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये आगे चला गया और यहाँ से हमने बी को फिल कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम सी को करेंगे, ऐसे ही हम डी को, ऐसे हम A to Z हम इसको बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया, सी से हमने बनाया, सी पे बनाने के बाद यहाँ से ये जोकर का आ गया, इसको हम बीच में कट कर देंगे, हम इसको काइनमास्टर में ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डी आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, आपने इसको काइनमास्टर को डाउनलोड कर लेना है। काइनमास्टर को डाउनलोड करने के बाद जो आपकी वीडियो होगी वो आपने यहाँ से क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कि अभी मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं इसको यहाँ से पहले स्टॉप कर देता हूँ, फिर दोबारा से ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको क्रिएट न्यू पर क्लिक किया, क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद हमने इसका रेशियो सेलेक्ट कर लिया 16:9 का, यहाँ से इसको क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर जो हमने अभी डाउनलोड किया है, हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए अब हमारी वीडियो आ चुकी है सारी की सारी। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस आता हूँ, वापस आने के बाद ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये सारी की सारी वीडियो आ चुकी है। अब हमें जहाँ तक इसका वो नहीं चाहिए, हम इसको यहाँ से मैं इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको जहाँ से ABC शुरू हो रही है, मैं आपको डायरेक्ट वहीं से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, हम इसको स्प्लिट कर देंगे, यहाँ से ट्रिम एंड स्प्लिट कर दिया, और जो हमें पार्ट नहीं चाहिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ से हम इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करने के बाद जो इसका बैक का पार्ट है वो भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जैसे कि मैंने इसको यहाँ तक लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ, ट्रिम एंड स्प्लिट एंड देन डिलीट, ठीक है। तो ये जो हमारा बीच का है तो ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके इसको पहले तो हम रोटेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो इसका मतलब कि चेंज हो जाता है सिस्टम सारा। तो इसका हम रोटेशन के लिए हम डायरेक्ट रोटेट एंड मिररिंग में आएंगे और हम इसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये हमारा सेट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेट करने के लिए हम इसको पैन एंड जूम करेंगे, ठीक है। पैन एंड जूम करने के लिए यहाँ से हमने इसको पैन एंड जूम कर लिया। इससे क्या होगा, इससे ये थोड़ा मतलब कि अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। और अब हम आएंगे वापस, तो आप देखिए A4 Apple मतलब जो भी है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसके ऊपर मेक वॉइस ओवर करना है। तो वॉइस ओवर करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे रिकॉर्ड पे ऊपर क्लिक करना है,
और यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है, जैसे ए फॉर एप्पल यानी कि सेब, आपने इस हिसाब से इसके अंदर वॉइस ओवर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये आगे चला गया, बी फॉर बॉल यानी कि बॉल। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने इसके ऊपर मेक ओवर करके आपने वीडियो बना लेनी है, और वीडियो बनाने के बाद आपने यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर लेना है जो भी आपको क्वालिटी वगैरह चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको वीडियो बना सकते हो, ठीक है, एक्सपोर्ट करके, और आप इसको डायरेक्ट अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर सकते हो। पर और जो भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो इसके ऊपर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएंगे वो आपने YouTube लाइब्रेरी से ही डाउनलोड करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा YouTube लाइब्रेरी से, इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो है आपका कॉपीराइट का इशू ना आए। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से अपने ये मतलब कि किड्स लर्निंग से रिलेटेड अपनी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करके आप अर्निंग कर सकते हैं उससे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लव एंड लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब।